अच्छा सर, मैंने सुना आप अपने कॉन्टेम्प्रेरी राइटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तारड़ साहब से। मैं? हाँ। अच्छा हाँ, ये पता नहीं आप, मैंने सुना आप मुर्शिद मानते हैं उन्हें। ये खबर आपको पता नहीं किधर से आई है, कोई बड़ी गलत जगह से उड़ के आई है। अच्छा। मैं तो तारड़ को कुछ भी नहीं मानता, मतलब वो नावल निगार हैं। अच्छा। वो एक ट्रैवल राइटर तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखिए ट्रैवल राइटर का काम है, एक बार मुझे तारण ने अपनी किताब दी नंगा पर्वत, के हमारी पहले बड़ी दोस्ती पढ़ी है। हाँ। पढ़ी है ना, हमारी बड़ी दोस्ती थी पहले, क्योंकि इनका छोटा भाई जो है मुबशर, वो और मैं प्लेटून मेट थे पीएमए में, और हमारी अभी तक बड़ी दोस्ती है। सही। अच्छा, नंगा नहीं नांगा ही लिखा किताब का, नंगा पर्वत, नंगा नहीं नांगा पर्वत। तो वो मुझे दी के रिव्यू करना है, और मुझे साथ कहा वड्डी ना, काटना नहीं है मुझे। अच्छा, अच्छा, हाँ, है। अच्छा रिव्यू लिखना है। अच्छा। मेरी भी किताबें जाती हैं लोगों के पास, मैंने आज तक नहीं किसी को कहा कि वड्डी ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। इसी वो एक इनसिक्योर आदमी था एज अ ट्रैवल राइटर, नावल निगार वो ठीक होगा। सही है। तो वो अब उसमें जब मैंने रिव्यू लिखा तो मैंने कहा कि एग्जैजरेशन बड़ी है, तो मुझे डांटा फ़ोन करके कि मैं कोई जोग्राफिया की किताब लिख रहे हैं। अच्छा। तो जो ट्रैवल राइटिंग है वो तो जोग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी जियोलॉजी, ये सब है उनमें वैसे तारड़ में। हाँ कहीं, पर ये है कि थोड़ा सा रोमांटिसाइज करके चीज़ को प्रेजेंट जरूर करते हैं, अदरवाइज तो कंटेंट बोरिंग हो जाए ना। नहीं तो वो तो मतलब एक वो हमारे दोस्त खालिद महमूद रसूल हैं, वो भी उर्दू के कॉलम लिखते हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कहते हैं ये सफ़रनामा नहीं है, ये सफ़र रोजनामचा है, ये डायरी है। ये जैसे चौथी पाँचवीं जमात का बच्चा गर्मियों की छुट्टियों के बाद आता है, हमें भी कहा जाता था स्कूल में What did I do in my summer vacations? तो वो हम एक लिखा करते थे कि हम वहाँ गए मरी, वहाँ फूफी का घर है और हमने ये किया और हम वो करते थे। तो ये जो तारड़ साहब लिखते हैं ना, ये वही है, वो एक सफ़र रोजनामचा है कि हम सुबह उठे और तो इशू आपको उनके सफ़रनामा निगार कहलवाने से है, उनके कॉन्टेंट से नहीं है, यानी उनको हम फिक्शन और फैक्ट फैक्शन कह सकते हैं, हम उनको फैक्ट और फिक्शन को मिला के, ठीक है। यानी बहुत से लोग होते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म के सब्जेक्ट होते हैं ना, यानी अब हाउ टू गेट रिच एक बुक है, ठीक है, और एक है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ठीक है। अब उसने क्लार्सन ने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाकर, वो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी स्टोरी सुनाकर रिच डैड पुअर डैड की अमीर होने का तरीका बताया, ऐसे ही तारड़ साहब ने फिक्शन को जोड़ा सिंधु की सारी उसके साथ स्टोरी के साथ, तो उन्होंने स्टोरी फॉर्म में हमें सारी हिस्ट्री बता दी कि हुआ क्या होगा। वो तो नॉवल है ना जी, नॉवल है, मगर उससे हिस्टोरिकल नॉवल लिखना एक बात है, ठीक है। सफरनामा को सफर करके उसको आप एक फिक्शन के तौर पे लिख दें जिसमें आप नाम भी उल्टे सीधे कर रहे हैं, एक जगह सोख्तराबाद ईजाद कर दी है। अगर पढ़ा लिखा आदमी हो ना, पहले आपने रिसर्च की, और तारड़ की रिसर्च मुझे पता है, वो इजबल शॉ की गाइड बुक पढ़ के तो ट्रैवल करने चला जाता था, पढ़ा कुछ भी नहीं है। सोख्तराबाद वादिया इश्कोमन में एक जगह को नाम दे दिया, नाम है सोख्ता रबात, जली हुई सराय, और एक हिस्टोरिकल इवेंट को रिकॉर्ड करती है वो बात, ये नाम जो है कि कभी एक सराय थी जो जल गई। सही है। तो अगर पुराना कोई नक्शा देखा होता या किसी पुराने अंग्रेज़ की किताब पढ़ी होती तो पता होता कि सोख्ताराबाद है, सोख्ताराबाद नहीं है। तो अब सारे जो पेंडू ये पढ़ के जा रहे हैं और लिख रहे हैं वो सोख्ताराबाद सोख्ताराबाद लगे हुए हैं। सही है। वज़ीर शाह फ़कीर होते थे इश्कोमन में, बहुत ही लाजवाब आदमी थे। मैं उन्हें 1990 में उनके घर में मेरे ख्याल एक या दो रातें रहा। उनसे मैंने पूछा, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी थी, 60 से ऊपर थे, मैंने पूछा कि जी ये जो सोख्ता रबात है, ये रबात आपने देखी हुई थी? तो कहने लगे कि नहीं, हमने दादा से सुना था कि इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी थी और उससे ये जली थी। अच्छा। यानी एक पूरी हिस्टोरिसिटी है उसमें। सही है। अब उसको सोख्तराबाद बना देना। सही। और फिर कहना कि जी नाम इसी तरह बनते हैं, क्योंकि रोमन्स ने लंदन का नाम लॉन्डेनियम रखा था तो वो लंदन बन गया।
मतलब लेकिन इस तरह से आप ग्रॉस किस्म का काम नहीं कर सकते जगहों के नामों के साथ के छोगोरी केटू का नाम है उसे आप शाहगोरी बना दें, छोगोलिंगसा एक और पहाड़ है जिसका आप मोनालिसा बना दें, सही है बिल्कुल सही ये है। तो नेमिंग को जबर जेपरडाइज करके फिर इसलिए आज से तो आपको बाकी ये इब्न इंशा भी नहीं अच्छे लगने चाहिए, बाकी ये जितने भी मजानगार सफर नामे पर लिखते हैं, और वो तो ट्रेंड था बहुत ही ज़्यादा, जो बंदा आता था बाहर से घूम के वो फिर सफर नामे लिख देता था, फिर तो आप अपने अलावा किसी को सर समझ ही नहीं मैं अपने आप को भी कोई इतना बड़ा नहीं गर्दानता, मेरे से आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं जी बड़ा वड्डा राइटर हूँ, सही है, बल्कि एक बार एक दोस्त ने कहा कि यार हूं तो तू बड़ा वड्डा लिखारी हो गया, मैं गया आहो वड्डा लिखारी तो दैट्स गुड, ना मैं अपने आप को गर्दानता हूं लेकिन मुझे ये पता है कि मैं वाहिद हूं जी, ये मैं अकेला हूँ। सफरनामा असल में यहाँ पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। एक बार जी वो कोई पता नहीं ऑक्सफोर्ड वालों ने या किसी ने मुझे एक ईमेल भेजी कि हम एक कंपेंडियम छाप रहे हैं ट्रैवल राइटिंग इन पाकिस्तान, मैंने उन्हें एक लाइन का जवाब दिया ट्रैवल राइटिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। मतलब आप क्या कंपेंडियम टट्टू छापेंगे आप कंपेंडियम ट्रैवल राइटिंग पे, जबकि उसका वजूद ही कोई नहीं है। हम तो ये गपौड़िए, और फिर हमारी ट्रैवल राइटिंग इतनी सेक्सिस्ट है, इंडीड हर जगह लड़की घुसेड़ दी, हर जगह नॉन एग्जिस्टेंट, बिल्कुल लड़की मिलती भी नहीं है, हम घुसा देते हैं कि जी लड़की, और फिर वो तारड़ का काम पढ़ पढ़ के ना वो जो अब ये लौंडे लपाड़े किताबें लिख रहे हैं ना वो मतलब झूठ मूठ की सारे मंटुइस्ट हैं सर, औरत से कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, मंटो साहब तो फिर कुछ और थे, ये तो पता नहीं बहुत ही शोधे हैं सही कह रहा हूँ आपसे। वो एक लड़के ने एक बार एक किताब लिखी 1990s में K2K2A लाहौर लाहौर है ना, अच्छा, K2K2A अच्छा, और उसमें वो कह रहा है कि जनाब रुदोकस के उस पर कैंप ग्राउंड में या पता नहीं पायू के कैंप ग्राउंड में 13-14,000 फुट की बुलंदी पे है वो या थोड़ा कम होगा, कि मैं सुबह अपने तंबू से निकला तो जो साथ में हम दो अमेरिकन लड़कियों ने तंबू लगाया हुआ था वो दोनों बरहना कैफियत में बाहर लेटी हुई थी, मैं फौरन अंदर आ गया और मैंने कलमा दरूद पढ़ा और अपने शैतान को दूर किया। मतलब 13,000 के ऊपर धूप भी निकली हो ना सुबह सवेरे 8 बजे आप जरा नंगे धूप में लेट के दिखा दें मुझे, सही बात, मरी में नहीं पॉसिबल वहाँ पे बंदा कैसे, तो या वो ना रिवाज ही बन गया कि यार कुड़ी जरूर विचवाड़नी है, ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल सही बात है। वो दो मिरासी थे वहाँ पे चकवाल में, दोनों अच्छा, मर गए शुक्र है अच्छा खुदा का, अनवर बेग अवान था एक अच्छा, और एक शहजादा जुल्फी के क्या अपने आप को कहता था, शहजादा जुल्फी अपने आप को मखजन तवारीख यानी अच्छा, तारीखों का खजाना क्या किस्सा गो हुआ करते थे उनकी बात, वो तो टोटल मरासी था किस्सा गो भी नहीं था अच्छा, फिर सिकंदर आजम दे जर्नल मरकुकस ने खेड़ा आबाद किया, मरकुकस का नाम किधर से आ गया भाई तेरे पास, कि किताबों में लिखा हुआ है, मैंने कहा कौन सी किताबों में, कहता चौथी जमात की किताब में जाके देख लो मरकुकस का नाम लिखा, सिकंदर तो कुरान में मिल जाएगा तो मुझे कहने लगा कि जी ये अलेक्जेंडर के घोड़े ने आके पत्थर चाटे तो पता चला कि यहाँ नमक है, ये ठीक नहीं है वाकई, मैंने कहा दुर फिटे मुँह कि हम इतने अहमक लोग थे कि हम अपना नमक भी दरियाफ्त नहीं कर सके, वो भी एक बाहर से आके बंदे के बंदे ने भी नहीं बल्कि उसके घोड़े ने हमें बताया कि अहमको इडियट्स खोतो ये तुम्हारे यहाँ नमक है ये निकालना शुरू कर दो, ये इतनी बड़ी ये कहानी इन मिरासियों ने इजाद की थी, ये गलत है किस्सा तो और क्या अच्छा। और अब ये ICI का जो रेस्ट हाउस है खेड़ा में वहाँ बड़ा फटा लगा हुआ है कि जी ये नमक अलेक्जेंडर के घोड़े ने चाट के दरियाफ्त किया था, मतलब हम जाहिल लोग हैं। मैं आफ्ताब इकबाल से स्टोरी सुनी थी, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था, मैं अच्छा, अच्छा। वो सिकंदर यूनानी का बड़ा जिक्र करता है ना अच्छा, ये कौन है आफ्ताब इकबाल, ये जो टीवी में खबरनाक खबरदार और वो जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं, दो जो चार कॉमेडियन होते हैं और आमने सामने कैस्ट होता है, मैं तो टीवी कभी देखा नहीं जी, मुझे मेरे ख्याल 40 साल हो गए टीवी देखे, तो ये मैं बहुत मशहूर शायर हैं वो डिजाइन में ना, जफर इकबाल साहब के बेटे हैं, जफर इकबाल शायर नहीं चलें छोड़े कोई मसला नहीं अच्छा,
तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये जब 1970s में मैं फ़ौज में था तो मैं फिरता रहता था ना ख्वार, और उस ज़माने में ना कोई सवारी भी नहीं थी, तो बसों पे जाके तब मैं खेड़ा पहली बार एक बार देखने गया था। सही है। वहाँ कोई कहानी नहीं थी कि अलेक्जेंडर के घोड़े ने नमक चाटा है। सही है। ये फिर जब मैं 1991 में एक बार एशियन स्टडी ग्रुप में, मैं यहाँ पे लाहौर में हम मेंबर थे, तो एक ग्रुप गया देखने के लिए, तो वहाँ ये फटा देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये कहानी याद कर दी। ये इन दो मरासियों ने 1989 के लगभग कहीं ये कहानी याद की। अच्छा। और वो अब इतनी राइज है कि वो ये जो आप नाम एक बंदे का ले रहे हैं, इस जैसे बेवकूफ़ जो हैं वो उसको आगे फैला रहे हैं। और फिर एक बार जब टीवी के ऊपर आ जाए ना, तो मैसेज में वो समझते हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, ये आसमानी सहीफा नाजिल हुआ। ऐसे ही है। तो सर, आप इतना आपने ट्रैवल किया, आपको कभी ये जो किस्से कहानियाँ होते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों से इंट्रैक्शन आपका हुआ है जिन ये से आप मिले हैं वैसे कभी जिनों भूतों से? तो सैफुल मुल्क पे परियां हैं और कहानियां एक तरफ, मगर वाकई कभी इंटरेक्शन कभी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं तो बड़ी बड़ी वीरान जगहों पे अकेला भी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। और बड़े बड़े पुराने वीरान रेस्ट हाउसेज में रात को कि बत्ती बुझा दी तो एक रोशनी नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि बिजली नहीं है उधर। सही है। लेकिन मुझे नहीं हुआ ये कभी भी। और ये हमने दास्तानें ज़्यादा ईजाद की हुई हैं। सही है। मैं एक बार 2012 की बात है, मैं मकड़ा एक पहाड़ी है कागान में, मैं वहाँ से क्लाइंब करके वापस आ रहा था, तो लिफ्ट चाहिए थी मुझे पाया से, सरी से, जिसे हमने सिरी पाए बना दिया है। अच्छा, ये सरी तारड़ ने उसे सिरी पाए बना दिया। अच्छा। वो असल में है सरी पाया, सरी छोटी झील। अच्छा। और पाया हाई अल्टीट्यूड पैस्चर, तो वो सरी पाया है, उसको सिरी पाए बना दिया। अच्छा, 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 तो वो सिरी पाए। सही है। ये आंसू झील भी किसी परी का आंसू है? ये तो ऐसी कहानियां बन गई हैं। और आंसू का नाम मेरा ख्याल है हमारे दोस्त, वो क्या नाम है जो फोटोग्राफर है, मैं नाम भी भूल गया, कोई बात। अच्छा, अच्छा, तो ये वहाँ एक ना मुझे वापस शोग्रान आना था, मैंने जो जीप ली थी जाने के लिए उसको मैंने फारिग कर दिया क्योंकि 3-4 घंटे मुझे लगने थे। तो मैं खड़ा था कोई जीप वाला कि नहीं जी मैं फलां के साथ हूँ, मैं फलां के साथ हूँ, तो मुझे वो दुकान वाला कहने लगा कि जी ये जो जीप है ना इस लाहौरिए आए ने तो लाहौर दे उन्होंने नाल बह जाओ तुम। तो वो लड़के आए तो मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो, तो आपस में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कहता बाबे ने भी बिठा लो नाल। तो एक मैं आगे बैठा हुआ था ना, तो एक बड़ा खूबसूरत दशकरा मोटू, तो कश्मीरी लाहौरी कश्मीरी, सही, बट साहब पर नाम मैं भूल गया हूँ पूरा, बट साहब ऐसे। तो मुझे कहता है तुसी सैफुल मलूक भी गए हो? मैं क्या हो? तो उत्थे वाकई रात नूं परियां आंदियां ने। अब मतलब हम इतने को अहमक हैं, हमारी क्रिटिकल सोच हमारी लिमिट यही है कि वो एक ने लिख दिया कि जी यहाँ रात को परियां आती, तो हमने मानना शुरू कर दिया। सही बात। ठीक है। और मैंने उसकी तरफ यूं करके देखा, मैं क्या बट साहब तुम्हारी उम्र कितनी है? कि 28 साल। तो मैं दिल में सोचा कि ऐसे ही है कि किसी वलायत आप अमरीका चले जाएँ तो आप को कोई बंदा 28 साल का मिले जिसको पूरा यकीन है कि सेंटा क्लॉज उस उड़ते हुए स्ले में आता है रेंडियर्स के साथ और फिर वो चिमनी में से नीचे उतर के गिफ्ट देते हैं, तोहफे आपके लिए छोड़ के जाता है। मतलब हमारी तो अजीब ही कैफियत है जी, हम मतलब सोचना ही नहीं हम शुरू करते तो क्रिटिकली कैसे सोचेंगे? वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द स्टोरीज, ऑलवेज। हाँ, विदाउट एनी वो रेफरेंस, विदाउट एनी वो चीज़। और एक आर्गूमेंट होता है, सब कहते हैं ये सबसे अच्छा जो है ना हमारे पास आर्गूमेंट होता है, सब कहते हैं। सही है सर। आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे की 72 बहारें देख ली सर आपने, अल्लाह 72 और दिखाए, लेकिन अगर 72 और मिले अल्लाह करे क्या करेंगे आप? ये बस एक है कि दिमाग चलता रहे, आंखें चलती रहें, टांगें चलती रहें। तो विद योर बूट्स ऑन। हाँ, सही। एक किताब अभी फंसी हुई है दिमाग में। अच्छा, कौन सी? सिंध में एक सफ़र है। अच्छा। और वो मैं बताना नहीं जा रहा है, मैं कई दफ़ा जिक्र करता रहता हूँ। अच्छा। हमें को और चोरी कर ले जिसके पास अभी वो प्लेजरिज्म के तो हम सारे। हाँ, और पढ़े कुछ ना, तारड़ की तरह जाके खच मार के आ जाए, लड़कियाँ उसे उस रस्ते पे भी मिल जाएं। सही हो गया। चले जी, अल्लाह ताला
पैरट साहब के गुनाह माफ करे और सबसे पहले आप उन्हें माफ कर दें। नहीं, वो मैंने इतनी गीबत की है, उसके माफ हो गए हैं।